दशहरे के एक महीने बाद मनाया जाता है। इस मौके पर हजारों लोग रघुनाथ मंदिर में पहुंचकर दिवाली मना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है और ये गैर गांव की दिवाली है। लोग मंदिर प्रांगण में जमा हुए हैं और देवदार के एक पेड़ को खड़ा करते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर पेड़ को आग के हवाले कर दिया जाता है। अबे हवा लगता है बाबू जगदू भाई होएगी होएगी अरे होएगी का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर हम देवदार का एक हरा सा वृक्ष ला करके उस पर सूखी लकड़ियाँ लगा करके और उसको जो है मतलब हम जलाते हैं और ये दृश्य आप लोग देख ही रहे हैं। और ये मेला जो है ये सबको शांति देने वाला है और ये जो ये ओला है ये अंधेरे को जले को ले जाता है, इसीलिए जो है ये पर्व जो है मनाया जाता है। मान्यता है कि अगर कोई शीर्ष खड़े करते समय टूट जाता है तो उसको अशुभ माना जाता है, तो उस जोलांग को किनारे करते हुए मुलक के लोगों ने, दोनों थोकों के लोगों ने डोल बाजों के साथ दूसरी देवलांग का वृक्ष लाया और उस देवलांग के वृक्ष की पूजा अर्चना हुई, उसको विधिवत सुसज्जित किया गया और ये देवलांग आपके सामने है। इसको जो है दोनों थोकों के लोगों ने खड़ा किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है ये देवलांग खड़ी हुई है और यहाँ से जो है राजा रघुनाथ का आशीर्वाद लेकर के सब लोग जो है अब अपना नाच गाना करके अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दीपावली के एक माह बाद मनाए जाने वाला देवलांग पर्व अपने आप में अद्भुत और अनोखा होता ही है, साथ ही पौराणिकता को भी दर्शाता है, जो न केवल आज की पीढ़ी के लिए एक अलग ही तस्वीर होती है बल्कि अंधेरे से उजाले की जीत का भी एक बेहतर संदेश देता है। सुनील थपलियाल, सहारा समय, गैर गांव, उत्तरकाशी।